से नहीं संभव है, क्या नारे लगाए जा रहे हैं, खिलाफत तू उसके पीछे एक थ्योरी लगा दी, कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया उसके पीछे एक थ्योरी लगा दी, आजादी बर्बादी ये सब क्या सुन रहे हैं। 1947 देश के अंदर, भारत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो दो प्रमुख दलित नेता थे जिन्होंने वंचितों की आवाज को एक ऊंचाई दी थी, एक मंच दिया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के अंदर सम्मान मिला और जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान का कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद भी वहां के दलितों, वहां के वंचितों, वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला बंद नहीं हुआ। भारत ने प्रथम दिन से ही अपने आप प्रत्येक नागरिक को पूरा सम्मान दिया, अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर विशेष अधिकार प्राप्त हुए। एक भारत है जिसने नेहरू लियाकत समझौते का सम्मान किया और एक पाकिस्तान है जिसने बनने के साथ ही अपने अल्पसंख्यकों का कत्लेआम करना, उनका धर्मांतरण करना और उनको जबरन अपने देश से निकालना अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया और फिर ये कार्य कृत्य केवल अल्पसंख्यक हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी ईसाई इन्हीं के साथ नहीं हुआ। ये अत्याचार उन जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ भी हुआ जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की वकालत की थी। भाइयों बहनों, अक्टूबर 2050 में ही जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान के कानून मंत्री से इस्तीफा देकर के वापस शरणार्थी के रूप में भारत के अंदर कोलकाता वापस आना। Yes, sir.